हे व्हाट्सअप गाइस, अनुज हियर एंड वेलकम टू द DSA1 कोर्स। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम स्टैक को पूरा समझने वाले हैं, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से स्टैक आपका इंप्लीमेंट होता है यूजिंग एरेज, यूजिंग लिंक्ड लिस्ट और जावा के अंदर आपका किस तरीके से स्टैक इंप्लीमेंटेड होता है वो भी आज हम समझने वाले हैं, ठीक है। और C++ के अंदर किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होती है, तो आज हम इंप्लीमेंटेशन वाइज समझने वाले हैं स्टैक को, और इसकी जो बिल्कुल बेसिक थ्योरी होती है वो आज समझने वाले हैं, सो दैट आप खुद से भी कभी कभी स्टैक इंप्लीमेंट करने के लिए आ जाए तो आप वो कैसे कर पाओगे, ठीक है। स्टैक को बिल्कुल अच्छे समझने वाले हैं। स्टैक एक्चुअली बहुत ही बार यूज हो रहा होता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है और अलग अलग जगहों पर ये यूज़ हो रहा होता है। आपके कंपाइलर्स के अंदर काफ़ी हैवीली यूज़ हो रहा होता है, ये फंक्शंस कॉल कर रहे होते हो तब आपको यूज़ होता है, जब आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जा रहे होते हो किसी ऐप के अंदर, वहाँ भी आपकी स्क्रीन जो होती है वो एक स्टैक के अंदर डल रही होती हैं। इसके अलावा आप पैरेंथेसिस बैलेंसिंग वाले कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस हम देख रहे होंगे आने वाली वीडियोस में। इस टाइप की जगहों पे आपके स्टैक बहुत ही ज़्यादा हैवीली यूज़ हो रहे होते हैं, तो आज हम समझने वाले हैं स्टैक को अच्छे से। इसको समझने से पहले इसके अंदर जो तीन मेजर ऑपरेशंस होते हैं विच आर पुश, पॉप एंड पीक, जरा वो समझ लेते हैं कि वो किस तरीके से काम करते हैं। तो ये आपका स्टैक है, स्टैक भी आपका नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपका एरे होते हैं, लिंक लिस्ट होते हैं, वैसे आपका स्टैक भी डेटा स्ट्रक्चर होता है, आपके एलिमेंट्स को स्टोर करने काम में आता है। बस इसमें निकालने का तरीका एक अलग होता है, ठीक है। जिस तरीके से आप एलिमेंट्स डालते रहते हो, जैसे आपने जो एलिमेंट लास्ट में डाला था वही एलिमेंट आपका फर्स्ट बाहर निकल रहा होता है, इसीलिए हम कहते हैं इसे लीफो, कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर एलिमेंट्स जो डाल रहे होते हो वो इसी जगह से डाल रहे होते हो और इसी जगह से आप एलिमेंट को बाहर निकाल रहे होते हो। एलिमेंट्स को डालने के ऑपरेशन को हम कहते हैं पुश ऑपरेशन, एलिमेंट्स को निकालने के ऑपरेशन कहते हैं पॉप ऑपरेशन। तो इसके अंदर आप इस तरीके से एलिमेंट्स डाल रहे होते हो, सपोज ये स्टैक है एस नाम का, तो इसके अंदर आपने एलिमेंट पुश किया फोर, तो फोर चला गया सबसे नीचे, उसके बाद उसके ऊपर सेवन जाएगा क्योंकि जाने वाली जगह सिर्फ ऊपर से ही है, ठीक है, एलिमेंट्स हमेशा ऊपर से जा रहे होते हैं इसके अंदर। और फिर उसके बाद गया टू, तो टू ऊपर चला गया। उसके बाद जब आप निकालने की बारी आएगी तो आप निकालोगे तो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट बाहर निकालोगे, ठीक है। इसको एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे आपकी प्लेट्स होती हैं, राइट, आपकी प्लेट्स होती हैं बहुत सारी, घर में ऐसे प्लेट्स होती हैं, तो जब भी आपको प्लेट आप निकालने होते हैं तो आप इस तरीके से निकालते हो ना, सबसे ऊपर वाली प्लेट पहले बाहर निकलती है, उसके बाद ये वाली प्लेट बाहर निकलेगी, है ना। तो ऐसे ही होता है, इसके अंदर लास्ट जो प्लेट सबसे ऊपर डाली थी आपने वही प्लेट आपकी बाहर निकल जाती है, इसी तरीके से आपका स्टैक होता है, ठीक है। और इसके अंदर होता है एक पॉप ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन जो होगा, अभी फिलहाल जब आपने ऐसे एलिमेंट डाल दिए फोर सेवन टू, पॉप करोगे तो ये टू सबसे टॉप पर है इसलिए पॉप हो जाएगा टू, और पॉप करने से क्या होता है एलिमेंट आपके रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका रिटर्न करता है वो एलिमेंट जो अभी फिलहाल टॉप पर है। उसके बाद एक पीक ऑपरेशन होता है, पीक ऑपरेशन क्या करता है, ये रिमूव नहीं करता, ये बस पीक करके बताता है कि टॉप पे एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये बस बताएगा कि हाँ कौन सा एलिमेंट यहाँ पर टॉप पर है। अच्छा, ये देखिए टू एलिमेंट टॉप पर है तो बस ये बता देगा टू एलिमेंट है, ये रिमूव नहीं करता। तो ये तीन ऑपरेशन होते हैं। इसके अलावा एक इज एम्प्टी ऑपरेशन होता है, साइज ऑपरेशन होता है, ठीक है। साइज आपका बताता है कि साइज कितना है, अभी तक इसके अंदर कितने एलिमेंट्स ले हुए हैं, और इज एम्प्टी बताता है कि अगर आपका स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेशंस होते हैं और इन ऑपरेशंस को आप अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स की हेल्प से इंप्लीमेंट कर सकते हो खुद से, ठीक है। स्टैक तो एक बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट एक डेटा टाइप है कि हाँ इस तरीके से इसके अंदर एलिमेंट्स चल रहे होंगे। इसकी इंप्लीमेंटेशन आप किसी भी वे में लिख सकते हो, आप चाहो तो एरेज की फॉर्म में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, आप चाहो तो लिंक लिस्ट की फॉर्म में इंप्लीमेंट कर सकते हो, और आज हम ये दोनों दोनों इंप्लीमेंटेशन देखने वाले हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार कुछ कुछ कंपनीज जो होती हैं वो आपको डायरेक्टली लाइब्रेरी फंक्शंस यूज़ नहीं करने देती। स्टैक की एक्चुअली एक लाइब्रेरी भी आती है java.util के अंदर, जो हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर देखी भी थी, ठीक है। तो उसका यूज़ करके आप डायरेक्टली स्टैक इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। स्टैक क्लास आती है आपकी java.util के अंदर, लेकिन कई बार जैसे मुझे याद है सैमसंग जो है वो आपको खुद की मतलब लाइब्रेरी फंक्शन से यूज़ करने नहीं देती, ठीक है, java.util वो यूज़ ही नहीं करने देती। तो वहाँ पर हमें खुद का स्टैक बनाना पड़ता है। तो हम वहाँ पर कैसे खुद का स्टैक बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या होती है आपकी ओवरफ्लो कंडीशन, क्या होती है आपकी अंडरफ्लो कंडीशन, ये सब हम देखने वाले हैं। तो अब जरा समझते हैं कि एरे का यूज़ करके आप किस तरीके से अपने स्टैक्स को इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे लिंक लिस्ट का यूज़ करके कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक पूरी की पूरी मैंने क्लास बनाई है और उसके अंदर कुछ कुछ फंक्शनलिटीज डाली है मैंने, और ये चीज़ ना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार इंटरव्यूज़ के अंदर ना वो आपको बोल देंगे एक नए टाइप का डेटा स्ट्रक्चर बनाने को बोल देंगे, ठीक है, आपको बता देंगे कि ये डेटा स्ट्रक्चर इस तरीके से इसमें इंसर्ट ऑपरेशन काम करता है, इस तरीके से इसके अंदर से डिलीट ऑपरेशन काम करता है, उसके बाद आप लोगों को खुद से एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी होती है। तो वहाँ पर ये बहुत हेल्प करने वाला है ये तरीका, ठीक है। आप लोगों को पूछना उनसे कि मुझे क्या क्या फंक्शनलिटी सपोर्ट करनी है, और उस तरीके से फिर आप वो सारे सारे फंक्शनलिटी सपोर्ट करते चलते हो, अपनी क्लास बनाते हो। सो जरा देखते हैं हमने कैसे अपना माई स्टैक नाम की क्लास बना रखी है, जो कि एक स्टैक की फंक्शनलिटी को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रही है। तो सबसे पहले हमने एक एरे बनाया इसके अंदर जो भी फिलहाल खाली है। इसके अंदर मैंने एक टॉप नाम का एक इंटीजर बनाया है, जो कि हमेशा ध्यान रखेगा कि टॉप पर कौन सा एलिमेंट चल रहा है। क्या सपोज करो आपका ये स्टैक है और इसके अंदर कुछ तीन एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, तो ये आपका टॉप, ठीक है, टॉप इस वाली जगह को पॉइंट कर रहा होगा, तो ये वो वाला पॉइंटर है बेसिकली। और कैपेसिटी, ये कैपेसिटी बताते हैं कि इस स्टैक के अंदर कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आप एक एरे यूज़ कर रहे हो तो इसलिए आपको बताना पड़ेगा एरे को इनिशियलाइज करने से पहले कि इस एरे का साइज़ क्या रहने वाला है, और यही इसका ड्रॉबैक भी है, आपको पहले से बताना पड़ता है कि आपका
स्टैक का साइज क्या रहने वाला है, ठीक है। आप डायनेमिकली अपने स्टैक के साइज को इम्प्रूव नहीं कर सकते, और वो चीज़ हम देखेंगे अभी लिंक लिस्ट का से जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो एक मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि एक कैपेसिटी को लेता है और आपकी वाली कैपेसिटी को यहाँ पे इनिशियलाइज कर देता है। टॉप को कर देता है माइनस वन, क्योंकि इनिशियली कोई भी एलिमेंट होगा नहीं, और ये टॉप जो ये बेसिकली एरे का इंडेक्स है 0, 1, 2, राइट। तो इनिशियली जो होगा टॉप होगा आपका माइनस वन पे होगा, मतलब अभी फिलहाल इसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ पर अपने इस एरे को इनिशियलाइज कर दिया ए इक्वल टू न्यू कैपेसिटी। अब जरा देखते हैं पुश ऑपरेशन किस तरीके से काम कर रहा है। तो हम चेक करते हैं पहले कि हमारी कैपेसिटी रीच तो नहीं हो गई कहीं। सपोज करो अगर इसके अंदर तीन ही एलिमेंट डाल सकते थे आप, अगर कैपेसिटी 3 थी इनिशियली, तो 3 के बाद चौथा एलिमेंट तो आप डाल नहीं सकते। तो जब 3 एलिमेंट डालने की बात आएगी तो आपकी जो टॉप होगा उस टाइम पर वो होगा 2, राइट। तो वही मैंने यहाँ पर चेक किया हुआ कि इफ़ टॉप इक्वल टू कैपेसिटी माइनस 1, इसका मतलब ये पूरा का पूरा भर चुका है। और अब यहाँ पर आप एक एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो या फिर रिटर्न नल कर सकते हो, कुछ भी आप किसी भी तरीके से आप यहाँ पे एरर हैंडलिंग कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक नया एक्सेप्शन थ्रो कर दिया है और आप यहाँ पे प्रॉपर मैसेज बता सकते हो कि क्यों एक्सेप्शन थ्रो हुआ है। तो आप बोल दोगे कि एरे साइज इज ऑलरेडी फुल ऐसा करके। अगर ऐसा नहीं है, लेकिन अगर इसके अंदर कैपेसिटी रीच नहीं हुई है, तब आप क्या करोगे, टॉप प्लस प्लस करोगे, ठीक है। अभी आपका टॉप माइनस वन था, सपोज करो टॉप प्लस प्लस करने पे 0 पे आ जाएगा, और उसके बाद ए टॉप इक्वल टू डेटा, और आपने उस जगह पे डेटा को डाल दिया। तो इस तरीके से आपका पुश ऑपरेशन काम कर रहा है। जरा पॉप ऑपरेशन देखते हैं। पॉप ऑपरेशन बेसिकली टॉप के डेटा को बाहर निकाल लेता है, लेकिन सपोज करो आपका स्टैक ऑलरेडी पूरा का पूरा एम्प्टी है, तब तो कोई एलिमेंट बाहर नहीं निकल सकता, तो वो वाली कंडीशन यहाँ पर हैंडल हो रही है। इस कंडीशन को बेसिकली बोलते हैं ओवरफ्लो, ठीक है। यहाँ पर हमारी ओवरफ्लो चेक हो रही है, इसे हम बोलते हैं ओवरफ्लो। और इस वाली कंडीशन को बोलते हैं हम अंडरफ्लो, ठीक है। यहाँ पर आपकी अंडरफ्लो हो रही है। अंडरफ्लो कब होता है, समझ में आ रहा है, जब आपका पूरा का पूरा एरे खाली है और तब भी आप इसके अंदर से एलिमेंट बाहर निकालने का ट्राई कर रहे हो, तब आपका अंडरफ्लो होता है। ओवरफ्लो तब होता है जब आपका एरे पूरा का पूरा भरा हुआ है और फिर भी आप इसके अंदर एक एलिमेंट डालने का ट्राई कर रहे हो। आपका अंडरफ्लो रीच हुआ तो आप एक्सेप्शन थ्रो कर दोगे यहाँ पर इसी की तरह। अगर आपका एलिमेंट इसके अंदर कुछ हैं, मतलब टॉप माइनस वन नहीं है, तब आप क्या करोगे, इस टॉप वाले एलिमेंट को रख लोगे अपने रिजल्ट के अंदर, टॉप माइनस माइनस कर दोगे और फिर रिटर्न कर दोगे इस रिजल्ट के डेटा को, ठीक है। सपोज करो ऐसा कुछ था 0, 1, 2 और टॉप आपका 2 वाले इंडेक्स पर था और आपको बोला पॉप करने के लिए, तो आपने पहले 3 वाले डेटा को रख लिया संभाल के रिजल्ट के अंदर, फिर टॉप माइनस माइनस कर दिया, तो टॉप आपका 2 से हट के टॉप आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। टॉप की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 और आप ये वाला डेटा रिटर्न कर दोगे, ठीक है, रिटर्न रिजल्ट कर दोगे। तो इस तरीके से आपका 3 रिटर्न हो जाएगा। एरे के अंदर अभी भी 3 यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। एरे के अंदर 3 है, फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि टॉप आपका 1 हो चुका है, इसका मतलब फिलहाल इसके अंदर 2 ही एलिमेंट हैं। ओके, पीक ऑपरेशन देखते हैं किस तरीके से काम करता है। पीक ऑपरेशन मैंने आपको बताया था, ये आपका एलिमेंट रिमूव नहीं करता, ये बस देखता है कि टॉप में एलिमेंट कौन सा, और उसी एलिमेंट को रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पर भी अंडरफ्लो कंडीशन चेक हो रही है पहले, कि अगर पूरा का पूरा एरे खाली है तब तो कुछ पीक ही नहीं कर सकते, राइट, तब तो आप कुछ पीक नहीं करोगे। लेकिन अगर खाली नहीं है तब आप टॉप एलिमेंट को यहाँ से बस ऐसे कैसे ही रिटर्न कर दोगे, ठीक है, कि टॉप में ये वाला एलिमेंट है। एक और फंक्शन मैंने बनाया यहाँ पर विच इज़ कॉल्ड इज एम्प्टी, ये बेसिकली चेक करने का आएगा कि आपका स्टैक अभी फिलहाल एम्प्टी तो नहीं है, और ये बहुत ही ईजी है। ये बस चेक कर रहा है कि टॉप अगर माइनस वन है तब तो एम्प्टी है, मतलब रिटर्न कर दो ट्रू। अगर टॉप माइनस वन के अलावा कुछ भी है तो इसका मतलब स्टैक के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। इसी के साथ आप खुद से चाहो तो एक इंटीजर इज साइज का फंक्शन बना सकते हो, ठीक है, जो आपको साइज रिटर्न करके देगा और वो रिटर्न करेगा बेसिकली टॉप प्लस वन, ठीक है, टॉप प्लस वन। तो ये हमारी एरे की इंप्लीमेंटेशन होती है। इसके अंदर एक ड्रॉबैक आपको दिख रहा होगा, वो ड्रॉबैक ये है बेसिकली कि आप इसके अंदर डायनेमिकली एलिमेंट्स को इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। एरे का साइज फिक्स्ड होता है, इसलिए इसके अंदर आप डायनेमिकली एलिमेंट्स नहीं डाल सकते, ठीक है, बिना ये बताए कि इनिशियली कैपेसिटी क्या होने वाली है। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए आप चाहते, यहाँ पे मैंने एक एरे यूज़ किया, आप चाहते एक एरे लिस्ट यूज़ कर सकते हो, राइट। एरे लिस्ट अंडर द हुड क्या करता है, एरे ही यूज़ करता है लेकिन डायनेमिकली उसके साइज को इंक्रीज करता रहता है। ये सब अगर आप लोगों को समझना है तो एक बार आप कलेक्शन फ्रेमवर्क इन वन वीडियो वाली मैंने बना रखी वीडियो, वो जाके चेक कर सकते हो, उसके अंदर मैंने बहुत ही अच्छे समझा रखा है। बाकी अब देखते हैं हम, अगर हमें डायनेमिकली एरे के अंदर साइज को इंक्रीज करना है तो आप क्या कर सकते हो, तो हम यूज करेंगे वहां पर लिंक लिस्ट, क्योंकि लिंक लिस्ट के अंदर आपको याद होगा, लिंक लिस्ट के अंदर आपको कोई साइज बताने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायनेमिकली उसके अंदर एलिमेंट्स डाल सकते हो। तो यूजिंग लिंक लिस्ट हम ये वाली जो हमारे पास एक ड्रॉबैक आ रहा है उसको हम रिमूव कर सकते हैं और अपना खुद का एक स्टैक इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं यूजिंग लिंक लिस्ट। तो जरा वो देखते हैं आप। तो यहाँ पर हमने स्टैक इंप्लीमेंट किया यूजिंग लिंक लिस्ट, और लिंक लिस्ट के अंदर हमने लिंक लिस्ट ऑलरेडी वैसे देख ही लिया यार। लिंक लिस्ट के अंदर आप बेसिकली एक नोड होती है जिसके अंदर डेटा होता है और एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है, तो वही नोड का यूज़ करके हम यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी स्टैक को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जरा देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर एक नोड है हेड, ठीक है, और हम हमेशा हेड के अंदर ही ऑपरेशन कर रहे होंगे सारे स्टैक के अंदर। जब भी एलिमेंट डालने का टाइम आएगा तो हम हमेशा हेड के अंदर एलिमेंट डालेंगे, और जब भी रिमूव करने का टाइम आएगा तो हम हमेशा हेड वाले एलिमेंट को ही रिमूव कर रहे होंगे, और उस तरीके से हमारा पूरा पूरा स्टैक इंप्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पर हमने एक साइज रखा हुआ है इंट साइज, और आप देख रहे हो माई स्टैक बताते टाइम मैंने कोई कैपेसिटी नहीं बताई, इसीलिए यहाँ पर आप डायनेमिकली जितने मर्जी एलिमेंट डाल सकते हो, यहाँ पर कभी ओवरफ्लो होगा ही नहीं, ठीक है।
और यहाँ पे हमने कोई कैपेसिटी नहीं बताई। तो जब आपका पहले बार इनिशलाइज होता है तो हमने हेड इक्वल्स टू नल कर दिया और साइज इक्वल्स टू जीरो कर दिया, जो कि बाय डिफॉल्ट होता भी है। उसके बाद जरा पुश ऑपरेशन देखते हैं किस तरीके से काम कर रहा है पुश ऑपरेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका। तो ये बेसिकली सबसे पहले इसके अंदर एक डेटा इंसर्ट करना है हमें, राइट। तो सबसे पहले हमने एक न्यू नोड बनाई, ठीक है। न्यू नोड बनाने के लिए हम न्यू नोड वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं। इस नोड के अंदर एक कंस्ट्रक्टर होगा जो कि डेटा लेता है और एक न्यू नोड बना देता है। तो सपोज करो इसके अंदर हमने फंक्शन कॉल किया और डेटा हमने डाल दिया वन, ठीक है, डेटा हमने वन डाल दिया तो हमारी एक नई नोड तैयार हो चुकी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डालेंगे टैम्प के अंदर, फिलहाल इसको डालेंगे टैम्प के अंदर, ठीक है। और अभी फिलहाल जब नया नया होगा तो हेड हमारा नल होगा, राइट। उसके बाद हमने लिखा है टैम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड। अभी हेड नल था तो टैम्प का नेक्स्ट जो है वो फिलहाल नल को पॉइंट करेगा, ठीक है, ये नल को पॉइंट करेगा क्योंकि इसका हेड जो था अभी फिलहाल नल था। साइज़ को हमने प्लस प्लस कर दिया है, पहले साइज़ हमारा जीरो था, राइट, अब साइज़ हमारा प्लस प्लस हो गया, साइज़ हम यहाँ पर फिक्स करते चलते हैं, साइज़ हमारा हो गया वन और हेड इक्वल्स टू टैम्प कर दिया हमने उसके बाद, ठीक है। टैम्प ये है तो अब हमने हेड को ये कर दिया, तो अब हमारा हेड यहाँ पॉइंट कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर स्टैक के अंदर पुश ऑपरेशन काम कर रहा है, ठीक है। अब जरा देखते हैं पीक ऑपरेशन कैसे काम कर रहा है। पीक ऑपरेशन काम क्या होता है, ये जो टॉप एलिमेंट जो आपने सबसे लास्ट में एलिमेंट डाला था उसी को रिटर्न करना, राइट। तो हमने लास्ट में एलिमेंट डाला था वन, तो ये वही वाला वन वाला एलिमेंट यहाँ पर रिटर्न कर देगा। पहले चेक करेगा कि कहीं पूरा का पूरा खत्म तो नहीं हो रखा, ठीक है। ओवरफ्लो कंडीशन चेक नहीं करनी, हमने यहाँ पर ओवरफ्लो कंडीशन चेक नहीं करी, अंडरफ्लो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी लेकिन, ठीक है, कि अगर खाली स्टैक है तो उसमें से कैसे आप पीक या पॉप कर दोगे, राइट। तो उसके लिए हमने यहाँ पर वो चेक करने का तरीका यह है कि हमारा हेड अगर नल है तो इसका मतलब ये अंडरफ्लो हो रहा है, और अगर हेड नल नहीं है तब आप यहाँ पर ये कर दोगे, ठीक है, रिटर्न हेड डॉट डेटा। तो हेड के अंदर फिलहाल वन है तो ये रिटर्न वन कर देगा। अगला देखते हैं पॉप ऑपरेशन कैसे काम कर रहा है। इसमें अगेन हमने अंडरफ्लो वाली कंडीशन चेक करी, उसके बाद हमने रिजल्ट को, रिजल्ट जो है हमने अभी फिलहाल सेव करके रख लिया, ठीक है, रिजल्ट हमारा वन है, वन को सेव करके रख लिया। उसके बाद हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट, तो हेड अभी फिलहाल इसको पॉइंट कर रहा है वन को, हेड डॉट नेक्स्ट को पॉइंट करेगा मतलब नल को पॉइंट करने जाएगा और हमारा पूरा पूरा स्टैक जो है वो एम्प्टी हो जाएगा। साइज हमने माइनस माइनस कर दिया और रिटर्न कर दिया उस डेटा को। इज एम्प्टी वाला फंक्शन बहुत ही ईजी है, ये हेड इक्वल्स टू नल चेक करता है बस। साइज वाला फंक्शन मैंने बना दिया क्योंकि साइज को हम पूरे टाइम मेंटेन करके चल रहे हैं, यहाँ पर साइज प्लस प्लस कर रहे हैं, यहाँ साइज माइनस माइनस कर रहे हैं, तो आप साइज रिटर्न कर सकते हो ऐसे ही, या फिर आप चाहो तो साइज पूरा का पूरा मत बनाओ यहाँ पर ऐसे, और जब भी साइज मांग रहा हो तब आप पूरा का पूरा एरे इटरेट करो और गिन लो कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। उससे अच्छा आप यही करो, ठीक है, क्यों बिग ऑफ एन ऑपरेशन करना जब आप बिग ऑफ वन में ये वाला ऑपरेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर सारे के सारे ऑपरेशन हमारे बिग ऑफ वन में होते हुए हमें दिख रहे हैं, राइट, सारे के सारे ऑपरेशन हमारे बिग ऑफ वन में हो रहे हैं। तो अब जरा ठीक से समझते हैं कि कैसे आपके इसके अंदर सारे सारे ऑपरेशन काम कर रहे हैं। सपोज करो आपको इसके अंदर एलिमेंट डालना है वन टू थ्री, ठीक है, पहले आपको वन डालना है, फिर टू डालना है, फिर थ्री डालना है। तो सबसे पहले आपने क्या, एक न्यू नोड बनाई और उसको अंदर वन डाल दिया और ये आपका हेड है फिलहाल, राइट, ये आपका हेड है। अब इसके अंदर हमें डालना है टू, तो टू डालने के लिए आएंगे तो पहले तो एक टैम्प नोड बनाएंगे और उसके अंदर डालेंगे हम टू, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा टू और ये हो जाएगा हमारा टैम्प के अंदर। उसके बाद हमने बोला टैम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड, कि टैम्प का नेक्स्ट हो जाएगा हेड। उसके बाद साइज प्लस प्लस, साइज आपका पहले वन था, अब साइज आपका हो जाएगा टू, है ना, साइज आपका हो जाएगा टू। उसके बाद हेड इक्वल्स टू टैम्प, आप देख रहे हो हेड के साथ ही ऑपरेशन कर रहे हो सारे सारा, अब हेड आपका शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो अब एलिमेंट इसके अंदर टू और वन है, पहले इसके अंदर सिर्फ वन था, अब टू और वन है। और अभी अगर आप बोलोगे ठीक है पॉप कर दो, तो आप पॉप कर दोगे ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट आपका लास्ट में आया था। तो इस तरीके से आप देख रहे हो हेड में ही सारे सारे ऑपरेशन करके आप लोग इस सभी को बिग ऑफ वन में कर ले रहे हो। उसके बाद आप थ्री डालने का टाइम आएगा तो थ्री को भी अगेन आप ऐसे डालोगे, पहले आप इसे टैम्प बना के डालोगे, उसके बाद इसके नेक्स्ट को कर दोगे हेड और फिर हेड को बोल दो कि हेड अब ये यहाँ पर है, ठीक है। और सिमिलरली अगर रिमूव करने की बारी आएगी तो आप हेड रिमूव करोगे और हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट कर दोगे, वही हमने यहाँ पे किया हुआ है, हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट और साइज को एक कम कर दोगे। तो इस तरीके से आप लोगों का ये यहाँ पे डायनेमिकली आप एलिमेंट्स इसमें इंसर्ट कर सकते हो, जितने मर्जी एलिमेंट आप इंसर्ट कर सकते हो इसके अंदर, कोई भी ओवरफ्लो चेक नहीं है इसके अंदर। और हमारा यहाँ पर लिंक लिस्ट का यूज करके बहुत ही ईजिली आपको दिख रहा होगा स्टैक हमारा इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि जावा के अंदर जो ऑलरेडी लाइब्रेरी मिल रही है हमें वो कैसे काम करते हैं स्टैक के अंदर, और साथ ही साथ सी प्लस प्लस के अंदर भी इंप्लीमेंटेशन देखते हैं स्टैक की। तो लाइब्रेरी फंक्शन का यूज करके भी आप लोग स्टैक इंप्लीमेंट कर सकते हो डायरेक्टली, आपके जावा के अंदर कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर स्टैक होता है, सी प्लस प्लस के अंदर आपकी एस टी एल लाइब्रेरी होती है और उसके अंदर भी स्टैक आपको ऑलरेडी दिया होता है, सो दैट आपको खुद से बैठ के स्टैक पूरा का पूरा इंप्लीमेंट ना करना पड़े। तो किस तरीके से आप लोग वहाँ पर स्टैक का यूज कर सकते हो जरा देखते हैं। पहले सी प्लस प्लस के अंदर देखते हैं, तो आप लोगों के पास स्टैक होता है, ठीक है, स्टैक लाइब्रेरी होती है और इसके अंदर आप इस तरीके से एक स्टैक का वेरिएबल इनिशियलाइज करते हो, ठीक है, स्टैक, और उसके बाद आप बताते हो किस टाइप का स्टैक है वो। तो इंटीजर टाइप का है, ये आपका बेसिकली जेनेरिक सपोर्ट करता है, तो आप मल्टीपल टाइप के स्टैक बना सकते हो। कैरेक्टर टाइप का बनाओगे तो आप यहाँ पर कैरेक्टर डालोगे, अगर आपको स्ट्रिंग टाइप का बनाना है तो आप यहाँ पर फिर स्ट्रिंग डाल रहे होगे, इस तरीके से काम करता है। उसके बाद आप स्टैक के अंदर आपका नॉर्मल पुश ऑपरेशन होता है, ठीक है, तो पुश होता है इसके अंदर, आपका पॉप होता है इसके अंदर, इसके अलावा इसके अंदर एम्प्टी फंक्शन होता है, ठीक है, एम्प्टी फंक्शन बताता है क्या स्टैक आपका फिलहाल एम्प्टी है या नहीं है।
उसके बाद इसके अंदर एक टॉप फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे जावा के अंदर पीक फंक्शन होता है, यहाँ पर एक टॉप फंक्शन होता है जो आपको बताता है कि टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। वो बिल्कुल वही काम करता है, बस यहाँ पर नाम का फर्क है। नाम का फर्क आपका दो जगहों पर आता है, जावा और सी प्लस प्लस के अंदर। यहाँ पर आपका एम्प्टी होता है जबकि यहाँ पर आपका इज एम्प्टी होता है। यहाँ पर आपका टॉप होता है और यहाँ पर आपका पीक होता है, बाकी काम इन दोनों का सेम है। उसके अलावा आपके पास पॉप होता है, फिर आपके पास साइज होता है, ठीक है। इस तरीके से ये सारी सारी फंक्शनलिटी आपकी सी प्लस प्लस में होती है। सिमिलरली आपकी कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर आपके पास डायरेक्टली जावा और यूटिल डॉट स्टैक क्लास मिल रही होती है, और वो इस तरीके से आप लोग वहाँ पर स्टैक बना सकते हो, स्टैक ऑफ इंटीजर इक्वल्स टू न्यू स्टैक। और आप इसके अंदर एलिमेंट पुश करने के लिए पुश यूज़ करते हो, अगर आपको टॉप एलिमेंट रिमूव करना है तो आप यहाँ पर पॉप यूज़ कर रहे होते हो। अगर आपको चेक करना है कि एलिमेंट स्टैक एम्प्टी तो नहीं है तो आप उसके लिए इज एम्प्टी यूज़ कर रहे होते हो। पीक आप यूज़ कर रहे होते हो अगर आपको टॉप एलिमेंट निकालना है तो, और आप पॉप यूज़ कर रहे होते हो। उसके अलावा आपके पास एक साइज फंक्शन होता है जो कि आपको साइज रिटर्न कर रहा होता है स्टैक का करंटली क्या साइज़ है। तो इस तरीके से आप लोग जावा के अंदर भी अपना स्टैक इंप्लीमेंट कर सकते हो, और इन्हीं का यूज़ करके हम आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। हम वहाँ पर बैठ के पूरा पूरा स्टैक पहले नहीं बनाएंगे एरे और लिंक्ड लिस्ट का यूज़ करके, नहीं, हम इन्हीं का यूज़ कर रहे होंगे सो दैट हमारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो सकें, ठीक है। तो यही था स्टैक की इस वाली वीडियो के अंदर। आने वाली वीडियोस में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे स्टैक के ऊपर, ठीक है। तो स्टे ट्यून, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कर देना। इसी के साथ मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय।